क्या शादी के 12 साल बाद बीबी से अलग होने जा रहे हैं इमरान? क्या मामा आमिर खान के बाद अब भांजे की शादी भी गई टूट? क्या अवंतिका मलिक की पोस्ट है तलाक की ओर एक इशारा? ये सारे सवाल सिर्फ हमारे नहीं बल्कि आपके मन में भी जरूर खड़े हो जाएंगे जब आप बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शन आमिर खान के भांजे इमरान खान की बीबी यानी कि अवंतिका मलिक का ये लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे। जी हाँ, ये वही पोस्ट है जिसने इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी हुई हैं। और ऐसा होगा भी क्यों नहीं, आखिर जो कोई भी ये पोस्ट देख रहा है उसे यही लग रहा है कि इमरान और अवंतिका का रिश्ता अब तलाक की मोड़ पर आ गया है। दरअसल अवंतिका मलिक ने बीते दिन ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इंस्टा स्टोरी सेक्शन से हॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉप सिंगर माइली साइरस के एक रील को शेयर किया है। इस रील के कैप्शन में लिखा था, वो डाइवोर्स उसके लिए सबसे सही था। इस रील को शेयर कर अवंतिका ने लिखा, सिर्फ उसके लिए ही नहीं हैशटैग बस कर रही हूं। तो जैसे ही अवंतिका का ये क्रिप्टिक पोस्ट लोगों की नजरों में आया तो हर जगह बस अवंतिका और इमरान के रिश्ते की चर्चा होने लगी। अवंतिका के इस पोस्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर गॉसिप्स के गलियारों में इमरान और अवंतिका के तलाक की खबरों को हवा मिल गई है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब आमिर के भांजे की शादीशुदा जिंदगी में चल रही अनबन को लेकर कुछ पब्लिकली सामने आया हो। लव मैरिज करने के बावजूद इमरान पिछले 4 सालों से बीबी अवंतिका से अलग रह रहे हैं। दोनों की बेटी भी माता पिता के बीच आई इस दरार में फिस रही है। बीते दिनों ही अवंतिका के न्यू रिलेशनशिप को लेकर भी बस बना था। दरअसल कुछ वक्त पहले ही अवंतिका ने कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें उनके साथ एक मिस्ट्री मैन नजर आया था। इन तस्वीरों को देख तब यही कयास लगाए गए कि अवंतिका को एक बार फिर प्यार हो गया है। दूसरी तरफ साल 2021 में ऐसी खबरें आई थी कि इमरान खान का साउथ एक्ट्रेस लेखा वॉशिंगटन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। दोनों रिलेशनशिप में भी हैं। हालांकि ये बात साबित नहीं हुई थी। गौरतलब है कि इमरान खान और अवंतिका मलिक ने साल 2011 में शादी की। दोनों ने शादी के पहले एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था। ये दोनों 2014 में एक बेटी के पेरेंट्स भी बने थे। वहीं शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार पैदा हो गई। साल 2019 से ही ये दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। दोनों के परिवार ने इमरान और अवंतिका के बीच सुलह करवाने की कोशिश की थी लेकिन बात नहीं बनी। वहीं अवंतिका अपनी बेटी इमारा के साथ अपने माता पिता के घर पर रहने लगी थी जिसके बाद साल 2020 में दोनों ने आधिकारिक रूप से अलग होने का फैसला कर लिया था। दोनों ने तलाक की भी अर्जी डाल दी थी। बहरहाल अब क्या वाकई इमरान और उनकी पत्नी अवंतिका का तलाक ऑफिशियली हो गया है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चल जाएगा।